बात करनी है मुझे, बात करनी है मुझे तुमसे। तुझे मुझसे बात करनी है। बोल। मुझे अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? बंद कर। लाइट को बंद कर। बंद कर इसको। बंद कर इसको। नाम क्या है? चंदन है चंदन। प्रोग्राम खुश रहे कि मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश रहे के साथ मैं हूं मुबीन खान और तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर से वेलकम करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं पीर शफात अली साहब और कैमरे पे मौजूद हैं कामरान खान और हम मौजूद हैं जी वाह कैंट में। जिस घर में हम मौजूद हैं, इस घर में एक बच्ची जो है उस पे असरात हैं और बताया जा रहा है, उनके फैमिली वाले ने बता रहे थे कि 3 साल से बच्ची पे असर है। काफ़ी उन्होंने इलाज करवाया लेकिन बच्ची जो है उसकी एबनॉर्मल जो हरकतें हैं वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रही। मतलब अजीब तरीके से बच्ची जो है बिहेव करती है, कमरे में बंद रहना पसंद करती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। बल्कि एक चीज़ जो काफ़ी हैरान कन थी, वो बता रहे थे अभी बच्ची के जो वालिद हैं कि एक दिन वो सोए हुए थे तो वो बच्ची जो है वो किचन से छुरी लेकर उनकी गर्दन तक पहुंच गई थी। वालदा ने देख लिया तो वो जाके बच्ची को पकड़ा, तो पता नहीं क्या हो जाता या क्या करना चाह रही थी। तो इस तरह यानी कि जान तक लेने तक की नौबत आ चुकी है, तो काफ़ी परेशान है। इन्होंने रब्ता किया हमसे और पीर साहब की मेहरबानी है, पीर साहब जो हैं आज हमारे साथ आए हैं। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये उनके फर्जंद हैं। बुज़ुर्ग हमारे नहीं आते, जो बड़े पीर साहब हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते। इनको भी मतलब उन्होंने मतलब इस तरह ये जाते नहीं हैं। इनसे काफ़ी हमने रिक्वेस्ट की, आपको बहुत शुक्रिया पीर साहब आप आए, और जेन्युइन मसला था, बच्ची का मामला है, तो पीर साहब को लाएँ, देखते हैं कि बच्ची के साथ आखिर मसला है क्या। पीर साहब नॉर्मली होता क्या है इस तरह के? हमने कुछ अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें एक बच्चा था उसको मखलूक नज़र आती थी, वो बकौल उस बच्चे के वो इस तरह बात कर रहा था जैसे उसको नज़र आ रही है, उसकी बातचीत होती है। तो ये बच्चों पे जो मामला होता है उसके पीछे वजह, असल वजह क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो मेन वजह है वो वालदेन का बच्चों पे असल में नज़र रखना ना होता है। अच्छा। जैसे अक्सर आजकल हमारे यहाँ फैमिलीज़ कुछ ऐसी हो गई हैं कि वो माँ भी बाप भी दोनों जो है वो काम पे जाते हैं और बच्चा पीछे से अकेला होता है, तो मोस्टली वो खुद में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसमें से ज़्यादातर केसेस ऐसे आ जाते हैं जो जिस पे जिन्नात नहीं होते लेकिन वो खुद की एक नई दुनिया आबाद कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे वाकई ही जिन्नात उनके दोस्त या फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे अक्सर बच्चे मगरिब के बाद या बच्चियाँ स्पेशली मगरिब के बाद, छोटी बच्चियाँ बाहर उनको अंदर नहीं लाया जाता, मगरिब के बाद जो है वो बाहर घूमती हैं, फिरती हैं, खेलती हैं, नंगे बालों में जाती हैं, तो उन दरख्तों वक्तों से अक्सर उनके पर कोई साया वगैरह ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से उनका जो है वो एक तो उनकी जो रूटीन है आहिस्ता आहिस्ता, जब उनके माँ बाप उन पर नज़र नहीं रखते कि आहिस्ता आहिस्ते, तो उनको एक साल तो वो कहते हैं इनका तो कोई शायद जहनी टेंशन है ऐसा वगैरह है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। उन पर जो जिन्नात का असर होता है वो उन पर चल रहा होता है, तो इस वजह से वो ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे ये भाई बता रहे थे जो बच्ची के वालिद हैं, यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, वो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इसलिए मना कर दिया कि जी मुझे लोग जानते हैं और घर का मामला है। बच्ची का तो ये है कि बच्ची की उम्र बता रहे हैं कुछ 7, 7.5, 8 साल के करीब उम्र है। 3, 4 साल से बच्ची जो है वो तो ना स्कूल जाती है, शायद प्रेप क्लास में थी बच्ची या पहली क्लास में थी, तो उस पर यह मामला हुआ है। तो बच्ची तो स्कूल जाती नहीं है, वो घर में ही होती है। तो वाले साहब ने मना किया कि जी मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, उनका नाम भी उन्होंने मना किया कि मेरा नाम भी जो है कैमरे के सामने आप अनाउंस मत करें। उनकी रिक्वेस्ट यही है कि बच्ची का अगर कोई हल हो जाए। मुझे पीर साहब ये बताइए, वो बता रहे थे कि अब 3-4 साल का मामला है,
तो 3-4 साल से काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया बच्ची को, और डॉक्टरों को भी दिखाया है, अमलों को भी दिखाया है, हर तरीके से वो कह रहे हैं हमने इलाज कराने की कोशिश की, रूहानी भी और दूसरा भी, लेकिन बच्ची जो है वो अभी तक उसी ट्रांस में है। तो इतना टाइम लग जाता है, अगर साया हो जाए, अगर कोई जिन या कोई भी असरात आ जाए, तो कितना टाइम लग जाता है उसको ख़त्म कराने में? असल में बेसिकली ये मेन चीज़ ये है कि उसकी और बच्ची की फ्रेंडशिप आपस में कितनी अच्छा, हो चुकी है, कितनी मजबूत बॉन्डिंग हो चुकी है। समझ गए। अगर उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो वक्ती तौर पर वो आपके सामने ये जाहिर शो करेंगे कि हम जुदा हो गए। ओके। लेकिन वो जुदा होते नहीं हैं। अच्छा। वो फिर दोबारा से अपनी फ्रेंडशिप अच्छा, का आगाज़ कर लेते हैं, वो उसमें रहते हैं और इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि दोनों के जहन स्पेशली आप, मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक नशा करने वाला आदमी नशा करता है तो उसका नफ्सियाती जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें इलाज किया जाता है, तो फिर उसको ये कहा जाता है कि उसको उस माहौल से निकालो। ओके, समझ गया। तो उस माहौल से निकालना, उस इलाके से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो उस माहौल में दोबारा जाएगा तो वहीं आसपास के इर्द गिर्द का वही माहौल उसको फिर उसी चीज़ में ले आएगा, तो उसके इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। सही है। तो बेसिकली चीज़ हमें यह है कि हमें उसको उस माहौल से, उस चीज़ से निकालना है, उसको ये बताना है कि वो दुनिया और इस दुनिया का जो आपस में गैप है वो असल में है, उसको हमने एक नहीं करना। सही है। तो अच्छा, अभी हम चल रहे हैं ऊपर, बच्ची को चल के देखते हैं, उससे बच्ची से मिलते भी हैं, तो फौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्ची पे असर क्या है। अच्छा, एक से ज़्यादा भी जिन्नात या हो सकते हैं। ओके, वो भी पता चल जाएगा हमें, और फिर आप इलाज भी बता देंगे कि क्या हो। देखिए, हम कोशिश, इंसान कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। आइए कामरान, चले। आइए पीर साहब, आज आज हैं कमरा। आज ये जी उनका घर है। अभी हमारी बच्ची से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बताया कि इस रूम में जो है बच्ची रहना पसंद करती है, हालांकि ये ड्राइंग रूम है और बच्ची जो है यहाँ पे। बंद करो लाइट। बेटा क्या लाइट बंद करो? लाइट बंद है बेटा। बेटा लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। एक मिनट बेटा, आइए फिर सर। लाइट बंद करो। बंद है बेटा, बंद है, बंद है लाइट। लाइट बंद है। बेटा बैठो बैठो बैठो। लाइट बंद करो, बंद करो। अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। फिर सबको दम करे, बंद करो, दम करो, बंद करो लाइट को, लाइट बंद करो। बैठे फिर से। बच्चों को और जिन्नात को कोई नहीं बेटा, अंकल हैं आपके, बैठे बैठे फिर से। भालू दे दें इसको, भालू दे, भालू दे दें इसको। क्या नाम है बेटा? आपको पता है आपके मामा पापा कौन है? मेरे मम्मा पापा, मेरे मम्मा पापा हैं। आप स्कूल भी जाते हो? नहीं, पता नहीं, नहीं गई। आप कौन है? बेटा मैं आपका अंकल हूँ, आपको स्कूल का पता है? नहीं। कभी स्कूल देखा नहीं आपने? नहीं देखा। आपका कोई बहन भाई है? नहीं। बहन भाई नहीं है? नहीं। आप इससे बातें करते हैं? ये दोस्त है मेरे। ये दोस्त हैं आपके? क्या नाम है इनका? ये चीनू है, ये पीनू है। अच्छा, आपसे बातें करते हैं? हाँ ये करते हैं, मुझसे बातें। अच्छा। मैं इनकी जवान सोचती हूँ, रोज मुझसे बातें करते हैं। आपने आज खाना खाया था? 3 हफ्तों से नहीं खाया। आप कौन है, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? मैं आपका अंकल हूँ बेटा। आपकी मामा पापा ने कहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक है। देखो मेरे दोस्त। अच्छा, कितने प्यारे। आप मुझे ये बताएं कि आपके दोस्त कितने हैं?
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, आपका कोई दोस्त आपके पास इस टाइम मौजूद है? चंदन नाम है, बहुत अच्छा है। चंदन? चंदन चंदन का क्या करता है आपके साथ, क्या खेलता है आपके साथ? मेरे साथ खेलता है, मुझे हड्डियाँ भी खिलाता है। कब से दोस्ती है आपकी और उसकी? 5 साल से दोस्ती है, तो मजा आता है। अच्छा, कहाँ मिला था आपको? मुझे वो पेड़ पे मिला था, बहुत अच्छा है वो। आपसे बड़ा है उम्र में? हाँ, 125 साल उम्र है उसकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आपको क्या चीज़ पसंद है? वैसे भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लाल रंग मेरा पसंदीदा रंग है। ये वाला, ये वाला, ये वाला। काउंटिंग आती है बेटा आपको? नहीं, काउंटिंग तो नहीं आती। काउंटिंग नहीं आती? नहीं तो, काउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती। चंदन कहाँ पे? चंदन ये देखो मेरे साथ बैठा है। अच्छा है ना, ये बहुत बहुत अच्छा है ना, है ना, अच्छा है ना, बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद। अच्छा, आपका इस वक्त दोस्त कहाँ कहाँ है घर में? हर जगह, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जाते? ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता कि आप मामा पापा के साथ बैठे हैं? नहीं, मुझे नहीं, मेरा सिर्फ दोस्त अच्छा है। आप क्यों मुझसे पूछ रहे इतने सवाल? आपको बताएंगे बेटा, आपका जो दोस्त है, अगर आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाएं तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? मैं सबको मार दूंगी, मगर अपने दोस्त का नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो आपके दोस्त अगर आपको हम आपके दोस्त को भेज दें कहीं दूर, कहीं किसी सफर पे भेज दें, कहीं दूर भेज दें, कौन है तुम? कौन हो तुम? जाना से रोशनी को बंद करो, बंद करो रोशनी को, बंद करो, बंद कर दो रोशनी को। अच्छा करते हैं बेटा, करते हैं। रोशनी बंद करो। अच्छा, करते हैं रोशनी बेटा, रोशनी बंद करो, रोशनी बंद करो। कर देंगे रोशनी बंद, रोशनी बंद करो, कम कर, लाइट थोड़ी कम करो, रोशनी बंद करो। कर दिए बेटा, कम करो, कोई बात नहीं, कर देते हैं। चले जाओ यहाँ से। अच्छा चले जाते हैं, चले जाते हैं। आपके दोस्त को कुछ नहीं कहते, नाराज नहीं हो आप। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहते बेटा। इधर देखो बेटा, कफा नहीं होते, पुई माती कोई आपको बेटा? नहीं। रिंगा रिंगा रोज़े अम्मा की फुल पैसे, तालियां बजाओ। क्या खाते हो, शौक से क्या खाते हो बेटा? हड्डियां बहुत पसंद है। मम्मा क्या देती हैं आपको, उसका बताओ। मम्मा गोश्त देती है, इतने मजे का होता है। तो आपकी मेरा भालू, ये किसने दिया आपको? ये मुझे चंदन ने दिया। कहाँ है चंदन? ये मेरे साथ बैठा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं। आप हमारी चंदन से बात करा सकते हैं? वो लोगों से बात नहीं करता, वो सिर्फ मेरा दोस्त है ना। तुम अगर हम उससे बात करना चाहें तो हमसे बात करेगा, आप उससे पूछ लें। इनसे बात करेगी वो, आप लोग से बात नहीं करेगा। पर हम तो उससे बात करने के लिए आए। चले जाए आप यहाँ से, नहीं वो आपसे बात नहीं करेगा, जाओ यहाँ से, जाओ, वो तुम लोगों से बात नहीं करता। पर हमें उससे बात करनी है। नहीं करोगे तुम लोग से बात, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा ये बताओ, स्कूल क्यों नहीं जाते आप? दिल नहीं करता। कोई मना? कौन हो, क्यों मैं पूछ अंकल हूँ, अंकल हूँ आपको बेटा, अंकल। स्कूल क्यों नहीं जाते आप, कोई रोकता है आपको? नहीं। तो क्यों नहीं जाते? डॉक्टर नहीं बनना था आपने तो? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपने तो, आपने अपने, मैं सिर्फ अपने दोस्त चंदन की दोस्त, इससे बातें भी करते हैं। ऐसा है कि जाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई ना कोई मौजूद है जो उनकी बातें हैं, लेकिन मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो तब भी मुझे कुछ महसूस तो हुआ,
कि उनके घर में कुछ ना कुछ असरात हैं। अब देखना ये होता है कि ये असरात क्या साए से हैं या ये किसी की जादू वगैरह से, ठीक है, क्योंकि अक्सर रिश्तेदार हवस में आके जादू वगैरह भी करा देते हैं, तो उसके देखना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं यहाँ पर गौर फिक्र कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ यहाँ नोट कर रहा हूँ कि इनका और उस जो भी चंदन वगैरह जो भी है उनका आपस में रिश्ता बहुत मजबूत है, तो उसको तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि अगर उसका तोड़ा जाए तो नुकसान भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जैसे एक अब मिसाल ले ले, सिगरेट पीने वाला शख्स सिगरेट छोड़ता है तो उससे सिगरेट भी आहिस्ता से छुड़ाया जाता है, वरना नुकसान उसका हो सकता है। तो ये ऐसा ही मामला है कि अगर इससे हमने कुछ छुड़वाया जल्दी में तो हो सकता है कोई नुकसान भी हो, तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत जहन की मालिक है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी आप फिर उसको चंदन को हम चंदन को हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाजिर हो जाए, क्योंकि बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि चंदन फिल वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में मेरे यहाँ वो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो मौजूद होता तो बच्ची इस टाइम फुल डिप्रेस में है। अच्छा। तो वो इसके अंदर ज़रूर आ जाता, हमें हमने जितने सवाल किए, हमने जो जितने आ जाता वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमें हर्ट करने के लिए कोई एक्शन लेता या कुछ ना कुछ करता, क्योंकि अक्सर जो ऐसी फ्रेंडशिप होती है उसमें वो चाहते हैं कि हमारे जो रिलेट के दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, जो इंसानी दोस्त हैं, उनको कोई ईज़ा ना पहुँचाए, कोई तकलीफ ना पहुँचाए। तो इसलिए ये देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, कुछ अपना विर्द वगैरह करते हैं, तो आपको पता है घर वाले कोशिश करते हैं कि हम उससे बात कर ले, क्योंकि जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो तब तक जो है वो हम उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं। बेटा ये ले, मुसलमान हो कि हिंदू हो? हिंदू। हिंदू तो यहाँ क्या कर रहे? ये लड़की मेरे दोस्त है, इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। देखो तुम्हें दुपट्टा चाहिए, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए दुपट्टा दो, मुझे दुपट्टा दो, दुपट्टा दो मेरा। देखो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हें, नुकसान हो जाएगा, इसलिए जो क्या चाहिए तुम्हें, मुझे सिर्फ ये बंद करो, इसको बंद करो। कितनी साल उम्र है तुम्हारी? 125 साल है। और क्या पूछना है तुम्हें? इस बच्ची को क्यों तंग कर रहे हो? ये मेरी दोस्त है, दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, इसको छोड़ो, छोड़ो इसको। आपको इसको छोड़ के जाना होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या है तू, जा जा मम्मी। अरे अरे बेटे, मम्मा इधर ही, मम्मा इधर ही बेटे, दो इधर इसको, इसको दो, दो इधर इसको, ए दो दो। मेरा भालू किधर है? भालू मेरा, मेरा इधर ही है, इधर ही बेटा, इधर ही मेरा भालू, इधर 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 ही, मेरा भालू, मेरा भालू, ऐसा है कि बच्ची के अंदर ज्यादा देर
जिन्नात को हम नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो छोड़ने पर बिल्कुल ही आमादा नहीं और मजबूती बहुत है उसमें क्योंकि अरसा बहुत हो चुका है और दोनों की बॉन्डिंग बहुत हो चुकी है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे कि ये एक दिन का काम नहीं है, तो थोड़ा हमें वक्त चाहिए होगा इसके लिए। थोड़ा हम इसको दम वाला पानी पिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिसके जरिए ये भूलेगी उसे। जब भूलेगी तो तभी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी हम और कोशिश करते तो हो सकता है कि वो इसको अंदरूनी कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसा है कि कोशिश करते हैं, हम पानी भी मंगवा लेते हैं। मैं आज के लिए तो दम कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो फिर उस दम वाले पानी के बाद हम देखेंगे असर कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, कि क्या इनकी रूटीन में कोई चेंज आया, क्या ये कमरे से बाहर निकलना शुरू हुई है कि नहीं हुई। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना इनको फर्क पड़ा है। हाँ, कमरा में दम पड़ा। अगर इनसे घर वालों से कहें गिलास भी दे दें हमें, एक गिलास दे दें, गिलास दे दें। तो बेटा बात सुनो, अब इसको हम जितना तंग करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सो जाओ बेटा, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको रोशनी का आदि करना है, कमरे से बाहर निकालना है। क्योंकि लोग जितने भी ये जिन्नात वगैरह होते हैं अंधेरे के वो होते हैं, सही पामन होते हैं। दे दो बच्चे को। बेटा पानी पियोगे? पानी पी के सो जाओ। आ जाओ पानी पी लो बेटा, बच्चा ये लो बेटा। हाँ, फिर सो जाओ, फिर सो जाना बेटा, उठ के बैठ के पी लो बेटा। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या करते हो आप जब नींद नहीं आती रात को, क्या करते रहते हो? चंदन के साथ देखती हूं। अब आप तक जाओ। अच्छा बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, चंदन से कहो ना हमारे सामने तो आ जाए। नहीं आएगा वो आपके सामने, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद। अच्छा एक बात और तो बता दो। क्या बात है? एक बात बोले, चंदन यहाँ अकेला रहता है या उसके और भी कोई फैमिली है? उसकी फैमिली है, वो उस कमरे में भी है, उस कमरे में भी है। कि मैंने वो कमरे कभी देखे ही नहीं है ना, है ना चंदन? मैंने नहीं देखे ना, तुमने नहीं देखे। तुम्हारी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पापा को भी मार देंगे, सो जाते हैं। किसको मार देंगे? मेरे पापा। क्यों मार देंगे? वो मेरे लिए रोशनी करते हैं, मैं उनको मार लूंगी। चंदन का वो दुकान पहुंचाते हैं, मार लूंगी। जो भी चंदन को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको भी मार देंगे। चंदन को कौन नुकसान? कोई नहीं पहुंचा रहा बेटा, रोशनी उसको नुकसान पहुंचाती है। आपकी वजह से वो भाग गया है। अभी नहीं है यहाँ पे? अब यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे रोशनी है। मैं सॉरी हूँ, मुझे तंग मत करना। मेरा भालू की चंदन ने दिया। ये पानी आपने क्यों छोड़ दिया बेटा? पानी तो पी लेना था। कम मुझे नहीं पीना पानी, चंदन ने मना कर दिया मुझे पानी पीने से। मैं नहीं पीऊंगी ये पानी, मैं पानी पीती नहीं हूँ। मेरे घर बिल्ली भी है काले रंग की, है? हाँ, उसमें भी चंदन आता है। मेला भी वो भी दोस्त है, और बाल गई भी है वो, पता नहीं क्या। हाँ मुझे सोना है। अब आप लोग इतने सवाल की पूछ रहे, जाए यहाँ से। अभी तो आप कह रही थी नींद नहीं आ रही है आपको। मुझे नींद नहीं आती, लेकिन चंदन से बातें कर लूंगी मैं। जब आप लोग जाएंगे ना मेला, तो मेला आ जाएगा, फिर उनसे बातें कर लेंगे। चंदन हमारे आने पर नाराज हो गया? हाँ, अगर आप फिर से आए ना आपको मार देगा, फिर बला मचाएगा। हम सो, चलो मैं लेती हूँ, आप लोग जाओ, वरना जाओ बस आप लोग। चंदन मारता भी है? हाँ मारता भी है, वो मेरे लिए हड्डियाँ भी लाता है, पता है? बहुत अच्छा है,
उसका यहाँ पे लड़ने जाने यहाँ पे ऐसी शान है, उसको उसका यहाँ पे भी है, कैसे यहाँ पे भी है ऐसी शान पता है। और हम दोनों नहाते भी नहीं है, हम गंदे रहते हैं हमेशा। गंदे रहते हैं? हाँ गंदे रहते हैं। उसका पानी से वो डरता है। पानी से डरता है? हाँ पानी से डरता है पता है। चंदन से को हमसे दोस्ती करेगा? नहीं वो आप लोग से दोस्ती नहीं करेगा, आप लोग ने उसको गंदा पानी पिलाया, हमसे वो दोस्ती क्यों करेगा? चंदन से को ये पीठ साहब अंकल से तो कर लें दोस्ती। नहीं ये बुले हैं। क्यों? आप लोग भी इनसे दोस्ती ना करें। क्यों? ये चंदन को मालते हैं, बिना पानी पिलाया चंदन जख्मी हो गया। अब आप लोग जाए वरना मैं आप लोग से बात नहीं कर लूंगी। अंदाजा हो सकता है कब से, तीन चार साल से तो इनको लग रहा है घर वालों को। हाँ महसूस ऐसा ही होता है जैसे कि वो सच बता रही है। घर वालों ने 3 साल बताया था, इसने 5 साल बताया, तो 5 साल का है, 3 से 5 साल का है, ज़्यादा गलत है। क्योंकि जिस तरह का मैंने आपको पहले भी बताया, बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत मजबूत है। सही। और लेकिन एक चीज़ है कि छोड़ना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले बताया कि बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका जो भी है आसपास एक तो बच्चे वैसे भी फरिश्ता होते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग उसका माइंड है, वो छोड़ देगी। लेकिन उसके लिए यही है कि घर वाले कोशिश करके, अगर एक घूंट भी पानी का जाता है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी भी उसने जो पानी गिराया है जो भी किया होगा उसमें एक घूंट ज़रूर गया होगा, तो एक घूंट भी उसके लिए शिफा बन जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वही बात है, मैंने आपको बताया था कि एक दिन की तो बात नहीं होती, आसान नहीं है। ये थोड़ा सा करेंगे इसको। बेटा थोड़ा सा और पानी पीते हो? नहीं बिना ये चंदन को डर। आपने उसके मुंह से सुना भी, अभी भी वो कह रही है कि वो नुकसान पहुंचाया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मुझे अब यह है कि अल्लाह ताला का कलाम उसने फर्क डाला है, कुछ ना कुछ वो थोड़ा दूर हुआ है। हाँ वो बच्ची कह रही है कि अभी यहाँ पे नहीं दूर हुआ, तो वो यकीनन इससे थोड़ा दूर होगा, थोड़ा हम इसके लिए डिजाइन भी करवाएंगे अपने। वो इनसे डलता है, वो इनसे डलता है पता है, इनसे डलता है वो, इनके बंद करोगे ना वो आएगा, हम लोग अंधेरे में लेते हैं। आप पार्क वगैरह नहीं, पार्क नहीं जाना आपने, झूलों में नहीं जाना? ना मैं चंदन के साथ ही लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं सिर्फ चंदन के साथ लाऊंगी पता है जी, मैं सिर्फ चंदन के साथ। नहीं बाहर तो बहुत मजा आता है। नहीं मुझे चंदन के साथ मजा आता है, जल्दी जाना ताकि वो आए, आप लोग जा क्यों नहीं ले? कहाँ गया वो? अभी बाल अपनी मम्मा के पास चला गया, आप लोगों ने उसको लाइटों से उसको डाल होता है उसको यहाँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ये क्या है, ये आपके बर्ड्स आपके हैं? हाँ ये मेरे पक्के फ्रेंड है, लेकिन चंदन के पक्के तो नहीं है ना। आप इनसे भी बातें करते हो? हाँ ये हम लोग हर वक्त बातें करते रहते हैं पता है ना, है ना। अपना पिज्जा पानी और पिलाएंगे तो खेल लेंगे, जरूरत नहीं पानी की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, हम इस पे दम करेंगे। अच्छा दम कर देते हैं। और जैसा जो बच्ची कह रही है कि घर में और वो तो है, वो तो है उसके लिए, वो गैदरिंग के साथ फैमिली के साथ, फैमिली पूरी फैमिली के साथ वो हम विजिट करेंगे, विजिट करेंगे हम पूरा घर, बाद इनसे इजाज़त लेकर। ठीक है मैं उनसे बात कर रही हूँ, हम पूरे घर का विजिट कर लेंगे। ठीक है स्पेशली उस घर का ना हो सके तो उस कमरे का ज़रूर हो जाए जिस कमरे का ये जिक्र कर रही है। मैं जितना मुझे समझ में आ रही है कि बच्ची जिस तरह बता रही घर में है पूरे, मैं चाहता हूँ कि आप अगर एक दफ़ा पूरा तसल्ली कर लें, पूरे घर का हम राउंड लगा लेते हैं, अंदाज़ा हो जाए कि कितने तादाद में कितने हैं। जैसे बच्ची तो बता रही है कि पूरी फैमिली है, तो उससे ये कि थोड़ा आसानी हो जाएगी उसके लिए। चंदन की आंखें तो लेट है, फिर क्या करें आप, हम दम करते हैं ताकि ये सुकून में आ जाए थोड़ा। ठीक है फिर हम विजिट करेंगे, मेरी भी रेड है। ठीक है बिल्कुल ठीक। चंदन की आंखें रेड है पता है, तुम्हारी आंखें तो क्या रंग है, ये रंग कौन सा है? दो चला जा।
बंद कर दो इनको बंद करो। अच्छा बेटा जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं, अब नहीं रो। हम जितनी इसकी चीजें इनसे दूर करेंगे ना, अच्छा ये इनको उतना ही तकलीफ। कोशिश हम यही करेंगे शुरू में कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक है से चीजें बिल्कुल दूर करेंगे। इतनी ताकत है कि छोटी सी बच्ची ने धक्का दिया, काफी जोर था इस बच्ची में। कामरान, कामरान उनसे घर वालों से अगर बात कर लो, कैमरा बेशक बंद कर दो, उनसे बात कर लें, उन्हें कहें कि पीर साहब जो है ना घर का विजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है।